हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को देखा होगा, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो मेरा IMECET का एप्लीकेशन फॉर्म वाला वीडियो था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आप लोग के मन में डाउट्स था कमेंट करो और उस पर मैं Q&A करूँगा, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे लोगों के मन में डाउट्स था, बंदे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आंसर दूंगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेड क्वेश्चन सब है, बहुत सारे बंदे लोगों के मन में डाउट्स था कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन ऐसा है इसमें जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वन बाई वन करके मैं सारा क्वेश्चन का आज आंसर दूंगा। तो यार, पहला क्वेश्चन है, आई कैन फिल IMECET विदाउट पासपोर्ट। तो देखो, IMECET का अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो बिना पासपोर्ट के फॉर्म फिल कर सकते हो, बट आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि जो भी कॉलेज है जहाँ भी आप लोगों को एडमिशन लेना है वहाँ अब पासपोर्ट आज के दौर में कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। जो भी मर्चेंट नेवी के कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, धीरे धीरे हर जगह पासपोर्ट कंपलसरी हो रहा है। तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो, लेकिन एडमिशन के टाइम में पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, जो भी कॉलेज सब है। और कुछ कुछ कॉलेज जो है अपने वेबसाइट पे लिख चुका है कि पासपोर्ट जो है वो कंपलसरी है एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप कोई भी कोर्स क्यों नहीं करते, ठीक है। IMECET के ब्रोशर में भी लिखा हुआ था कि अगर BTECH मरीन भी कोर्स करना आते हो 4 ईयर का, उस टाइम भी पासपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया। तो यार, पासपोर्ट हर बंदे लोग के लिए कंपलसरी हो चुका है, जो भी बंदे लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा 10th हुआ है, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो कौन सा फील्ड सेलेक्ट करूँ। तो सबसे पहले आप 12th में PCM लो, ठीक है, PCM में एटलीस्ट 60% लेके आना, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स समझो कि कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश में भी अच्छा से अच्छा स्कोर करना। 12th में जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे उतना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो मर्चेंट नेवी फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना पासिंग ईयर कौन सा भरेंगे, पहले वाला या फिर इस साल वाला। तो सबसे पहले बात, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ईयर जो रहता है, जो पिछले साल जो आप पास आउट हो चुके हो उस वही ईयर रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि किसी किसी का मान लो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी किसी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो बंदे लोग फेल होते हैं, तो वहाँ पे फेल होने के बाद आप लोग बताना नहीं है कॉलेज, क्योंकि मैं फेल कर गया था, ठीक है। आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दो, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, आपका ओरिजिनल मार्कशीट पर शो नहीं करता कि आपको सप्लीमेंट्री आपको लग चुका था, एक पेपर में बैक या फिर दो पेपर में आपको बैक लगा था, वहाँ पर शो नहीं करता है। तो आप लोगों को कॉलेज को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे बैक लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम डूइंग सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियर, आई रियली वांट टू परस्यू माय कैरियर इन मर्चेंट नेवी, इट इज़ पॉसिबल टेक GME कोर्स आफ्टर द डिग्री ऑफ BBA MBA सीटिंग इज रिप्लाई सून पॉसिबल। सबसे पहली बात देखो, अगर आप लोग 12th अगर आप सेकेंड ईयर कर रहे हो BTECH या सिविल इंजीनियर का सेकेंड ईयर कर सकते हो, तो आप कर सकते हो GME कोर्स, आप कर सकते हो। अगर आपने BTECH किया सिविल इंजीनियर से मैकेनिकल से, तो आप आराम से कर सकते हो GME कोर्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये BTECH की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप नेक्स्ट GME कोर्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाई मेरा PCM 56% है, तो मैं IMECET का फॉर्म फिल कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको PCM में 60% नहीं है, तो आप IMECET का फॉर्म नहीं फिल कर सकते, फिल करने से कोई फ़ायदा है नहीं। IMECET को मिनिमम 60% चाहिए PCM में, और अगर आपको PCM में 60% से कम है, तो IMECET भर के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो PCM में आपको 60% चाहिए मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, मिनिमम PCM में 60% चाहिए। दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम IMECET का होगा था, हाँ, दिसंबर में जो नेक्स्ट बैच होगा, दिसंबर में IMECET का एग्ज़ाम होगा। इस बार क्रॉस्पॉन्ड कर दिया गया एग्ज़ाम को, क्योंकि अभी का सिचुएशन अपने इंडिया का सही नहीं है, इस हिसाब से जितने सारे भी एग्ज़ाम थे, JEE मेंस थी, नीट्स थी और IMECET है, सबको अभी डिले चल रहा है, कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है कोई भी बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एग्जैक्टली फुल्ली कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, बट ये माना जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गया है, तो क्या मैं, सबसे पहले बात, बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुका है, तो आप सबसे पहली बात अप्लीकेशन फॉर्म के पास अगर एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, जिस कॉलेज का अगर आपने फॉर्म भरा वहाँ पे अगर एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग एडिटिंग करके ठीक कर लो। अगर नहीं आ रहा है, तो आप लोग काउंसिलिंग के टाइम में एक अप्लीकेशन लिख के और अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दे के एडमिशन करवा सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर, अगर प्राइवेट कॉलेज लाइक टीएमआई से DNS कोर्स का प्लेसमेंट हो, तो पहले स्पॉन्सरशिप लेना ज़रूरी है। तो यार, अगर आप जिस भी टॉप कॉलेज इंडिया के, जो भी अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो, चाहे वो एंग्लो हो गया, तुलानी हो गया, तो यहाँ का एडमिशन का एक अलग ही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप लोग को प्लेसमेंट के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए सोचना नहीं है, ठीक है। ये कॉलेज आपको हर चीज़ खुद ब खुद वो आप लोगों को कॉलेज करके दे देगी, तो उसके लिए सोचना, जॉब के लिए सोचना नहीं है। जो भी टॉप के कॉलेज है वहाँ आपको जॉब के लिए कुछ भी नहीं सोचना है कि यार किस तरीके से मेरे को जॉब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आई गॉट 69.3% इन PCM एंड 91% इन इंग्लिश क्लास 12th, इट इज़ कंसिडरेबल गुड मार्क्स इन अपेयरिंग इन
रिस्पॉन्सिटिव एग्ज़ाम। सबसे पहली बात, अगर आपने 69% लाया है तो अच्छा मार्क्स है, बट अगर 70+ लाते तो और भी बेस्ट रहता। 70+ लाते तो आपके पास फ्लीट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन रहता, बट 69 है तो फ्लीट मैनेजमेंट का आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि यार, ट्वेल्थ में जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे आप लोग के पास स्पॉन्सरशिप की चांसेस उतनी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा कंपनी की आपके पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। तो यार 69% तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को और भी बहुत सारी कंपनी जिसमें आप लोग स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ठीक है भाई। कौन कौन सा बेस्ट कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है, उनका टेस्ट चल रहा है, अपकमिंग डेट क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो फॉर्म निकला था, कौन कौन सी कंपनी का स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरा आ रहा है, किस तरीके से फॉर्म फिल किया जा रहा है, स्पॉन्सरशिप किस तरीके से लिया जाए, सारे के सारे टॉपिक में मैंने अपडेट वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पर। तो यार आप जाकर देख सकते हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो को आई बटन पर पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टीएस रहमान में स्पॉन्सरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन फी 10,000 है, IMCTT क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ रिफ़ंड हो जाएगा। जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो किसी भी कॉलेज की रिफंडेबल नहीं होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट पे वो लिखा होता है कि एप्लीकेशन फीस इज़ नॉट रिफंडेबल। तो यहाँ पे समझ लो कि किसी भी कॉलेज की हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की हो, प्राइवेट कॉलेज की हो, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर भाई, मेरा ट्वेल्थ आर्ट्स में 70% आया है, मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बारे में बताइए। ट्वेल्थ अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बहुत ये क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार आ चुका है, ठीक है। मेरे पर वीडियो पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने ट्वेल्थ आर्ट्स से किया है और कॉमर्स से किया है, मैंने ट्वेल्थ PCB से किया है, मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, किस तरीके से ज्वाइन करूँ। तो यार इस क्वेश्चन का आज मैं आप लोग को डायरेक्टली तीन ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, फुल और फाइनल ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि या तो आप ट्वेल्थ बैक करो, ठीक है, ट्वेल्थ बैक करके PCM लेके 60% लेके एटलीस्ट PCM लेके आओ, ठीक है, देन आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। जो भी आपको कोर्स करना है आप आराम से करो, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कोर्स करके आप आराम से शिप पे ज्वाइन कर सकते हो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एक सही वे है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि या आप जो भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, चाहे वो BTech मैकेनिकल हो गया, BTech सिविल हो गया, ठीक है, तो ये सब आप जो डिग्री कोर्स करने के बाद नेक्स्ट आप GME कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा करने के बाद आप DME कर सकते हो। तो GME DME ये सब कोर्स आप कर सकते हो, तो इसके थ्रू भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है, आप ट्वेल्थ में अगर आप आर्ट्स लिए हो, कॉमर्स लिए हो, तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज ए BBA कोर्स करके, ठीक है। BBA शिप बिल्डिंग का होता है, रिपेयर का होता है, तो ये सब भी कोर्स होते हैं, बस इस कोर्स में जॉब्स बहुत कम है, ठीक है, तो वही लोग ज्वाइन करते हैं जिसके पास कोई रेफरेंस होता है, जो बंदे किसी का अंकल किसी के रिलेटिव शिप पे होते हैं, पोर्ट्स पे होते हैं, तो वहाँ पे उस लोग को जॉब मिल जाता है, तो वो लोग BBA करते हैं, शिप बिल्डिंग करते हैं, वो सब कोर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स कॉमर्स तब तक ज्वाइन कर सकते हो, ये तीन ऑप्शन है। तो यार आप लोग डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेरा 64% है ट्वेल्थ में, मैं मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना तो MET से, ठीक है। अगर आपको ट्वेल्थ में 64% तो आप आराम से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, मरीन इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो, MET से भी कोर्स कर सकते हो, बट ट्राई करो कि MET से बढ़िया कॉलेज है तोलानी, उसमें भी ट्राई करो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, नहीं तो फिर तोलानी सबसे टॉप की कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लो। अगर तोलानी में नहीं मिल जाए तो फिर MET में जाओ, ठीक है, MET भी सही है। हाउ मच वी हैव टू पे फॉर IMU BTech? देखिए, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में अगर आप BTech मरीन कोर्स करना चाहते हो तो अराउंड 10 लाख रुपीस फीस टोटल पड़ जाता है BTech का, ठीक है। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में कोर्स करना चाहते हो तो इसकी फ़ी जो अराउंड टोटल मैं बता रहा हूँ, जो कि अप्रोक्स है, अगर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर फ़ी देखोगे तो वहाँ पर 18,22,000 रुपये फ़ी बता रहा है, लेकिन अराउंड एक मान सकते हो कि आपको 20 लाख रुपये लग जाता है टोटल BTech कोर्स करने में, ठीक है। इसमें सारा का सारा फीस इंक्लूड है, हॉस्टल फीस, फूड फीस, और आपके रहने एकोमोडेशन का टोटल ऑल ओवर एंड कोर्सेज फीस, सारा का सारा कुछ लेके अराउंड 20 लाख रुपीज़ पड़ जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में 10 लाख रुपीज़ पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद से भाई IMCTT की फॉर्म की फ़ी कितनी होती है, सबसे पहले जनरल की भाई 1,000 रुपीज़, और ST ST OBC की आप लोगों को पड़ जाता है 700 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट अबाउट इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट? जो भी इम्प्रूव्ड कैंडिडेट है उसके लिए दो ऑप्शन है, जो बड़ी बड़ी कंपनी उसमें अप्लाई नहीं करो क्योंकि वो लोग इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट को नहीं लेते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट के एग्जांपल ले लो, या फिर एक MSC कंपनी के एग्जांपल ले लो, तो MSC वाले बोलती है कि भाई जो बंदे 10th और 12th में गैप नहीं होना चाहिए, मींस कि अगर आपने 10th 2018 में किया तो 12th आपको 2020 में पास आउट होना है, आपको बीच में गैप नहीं चाहिए। मिनिमम एज उस लोग का 17 ईयर होता है, मैक्सिमम लोग का 20 ईयर होता है, लेकिन डीजी शिपिंग बोलते 25 चलता है, लेकिन कंपनी बोलती नहीं मेरे को मिनिमम 17 ईयर चाहिए और मैक्सिमम 20 ईयर चाहिए। तो यहाँ पर सोच सकते हो कि हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है।
फ्लीट मैनेजमेंट हो गया वो 70%+ में मांगती है, और भी कोई कंपनी है वो 65 MSC हो गया 65 पे लेती है। तो यार हर कंपनी का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है भाई। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बंदे लोग पूछते रहते हैं कि भाई CMC कॉलेज कैसा है, मैनेट कॉलेज कैसा है, BP मरीन कॉलेज कैसा है। सबसे पहली बात, CMC कॉलेज सही नहीं है, BP मरीन कॉलेज भी सही नहीं है, ठीक है। IMA जो कॉलेज है, इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी, वो भी सही नहीं है, ठीक है। और मैनेट हो गया, याक हो गया, HIMT हो गया, तो यार यही सब में कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, प्लेसमेंट नहीं है तो एडमिशन मत लो, ठीक है। सर मुझे आपसे बात करना है, प्लीज़ बताइए कैसे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। सर ETU करने के लिए भी स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है? बिल्कुल हाँ, ETU करने के लिए भी आपको स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन, सर आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आई गॉट 82% इन PCM ऑल्सो, आई एम अ गर्ल। तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, बंगाली से हो, किसी भी मीडियम से हो, अगर आपको PCM में 60% है, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में 60+ है, 70+ है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है किसी भी मीडियम से आप। ब्रो TS रमन इज़ गुड कॉलेज फॉर GME, बिल्कुल भाई TS रमन बेस्ट कॉलेज, आप आराम से कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर DME कोर्स करने के बाद जॉब की गारंटी? सबसे पहली बात, आप मर्चेंट नेवी के कोई भी कोर्स करो, चाहे DME करो, GME करो, BTech करो, BSc नॉटिकल साइंस करो, DNE करो, ETU करो, मर्चेंट नेवी का आप कोई सा भी कोर्स करो, अगर आप अच्छे कॉलेज से कोर्स नहीं करते हो तो जॉब की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज से कोर्स करते हो तो जॉब की गारंटी है, सब कुछ डिपेंड होता है कॉलेज के ऊपर में। तो सबसे पहली बात, आप अच्छे कॉलेज से कोर्स करोगे जॉब आपको मिलेगा, अगर आप अच्छे कॉलेज से कोर्स नहीं करोगे, आप कितना भी अच्छा कोर्स कर रहे हो, जॉब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिपेंड होता है कॉलेज के ऊपर में, ठीक है। बात एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट था कि यार जो मेरा वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशंस बहुत सारे बंदे लोगों के पास नहीं आ पाता, ठीक है। अराउंड 43% लोगों के पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आज मैंने यूट्यूब का एनालिटिक्स चेक किया, ठीक है। तो यार आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख रहे होगे, आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हो कि एनालिटिक्स किस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। तो यार मैंने जो आज एनालिटिक्स पर गया तो वहाँ पर जो शो कर रहा था कि यार ये बंदे लोग जो है ना सब्सक्राइब कर चुके हैं बट बेल आइकन नहीं दबाए, जिस वजह से उन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है और वो लोग वीडियो नहीं देख पाते। तो यार आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी भाई कि प्लीज़ आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता और आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो आप लोग अपडेट नहीं रह पाते हो। तो यार प्लीज़ अगर जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर याद से दबाना, ठीक है। सर मेरा आई साइड वीक है तो मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स कर सकता हूँ? देखो भाई, अगर आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डिजी शिपिंग डॉक्टर से ज़रूर चेक करवा लो, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर आपका आई वीक है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो या फिर फिजिकली फिट नहीं हो, अगर आप डिजी शिपिंग डॉक्टर से चेक कर लेते हो, डिजी शिपिंग अगर आपको अप्रूव्ड कर देता है तो आप आराम से कोर्स करो। क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग साथ होता है कि वो लोग डिजी शिपिंग से डॉक्टर से नहीं चेकअप करवाते, वो लोग सोचते हैं कि यार मेरे को प्रॉपर मेरे आँख से दिख रहा है, मैं मेरा आँख ठीक है, मेरा आई जो है पूरा प्रॉपर 6x6 है। बट कहीं ना कहीं वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जो पहले होता था कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो लोग क्या करते थे, उसका वेस्ट चला जाता था पैसा, वो लोग जॉब नहीं कर पाते थे। क्योंकि आप जितना बार शिप ज्वाइन करोगे उतना बार आपका मेडिकल होगा, तो यार उस हिसाब से आपको मेडिकल फिटनेस चाहिए। तो अब जो है सारी की सारी कॉलेज इसी वजह से कंपलसरी कर दिया मेडिकल। बट आप अगर सेटिस्फाइड होना चाहते हो कि यार मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप लोग कम से कम अपना आई साइड ज़रूर चेकअप करवा लो कि यार मैं 6x6 है कि नहीं प्रॉपर, मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, ठीक है, ज़रूर चेक करवा लो। तो यार आप लोग का जो भी क्वेश्चन था, जो भी डाउट था, आई थिंक मैंने आप लोग को बता दिया। और आप लोग से रिक्वेस्ट था कि भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि बंदे लोग को पता चल पाए अपडेटेड जो भी बंदे लोग क्वेश्चन पूछा था उस लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।